हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो हमको छोटा सा मेरा बाथरूम है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने मतलब बाथरूम के अंदर क्या क्या रखती हूँ और क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो मेरा छोटा सा मतलब बाथरूम है, और तो मैं अभी चलिए बता देती हूँ आपको कि किस तरीके का। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा सामान भी नहीं है, बट जितना भी है और मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो वो मैं इस यहाँ रखती हूँ जितना कि मतलब यहाँ पर रखा जा सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वन बाई वन। सो ये वॉशिंग मशीन है फ्रंट, ये है वीडियो कॉन की, और मुझे सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही पसंद है। एक्चुअली मुझे ऑटोमेटिक और फ्रंट लोडेड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइपॉड रखा है, जैसे कि शूटिंग कर रही थी मैं, और यहीं पे मैं सर्फ रख देती हूँ ताकि जल्दी मतलब वहीं पे इजीली हो जाए, निकल जाए। तो वहीं पे मैं ऐसे टांग देती थी, एक मैक्रमे का बनाया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हो जाता है ये। और यहाँ पे वाइपर रखा है, तो वाइपर तो सभी लोग रखते ही होंगे अपने बाथरूम में। बाकी ये देखिए, ये भी मैक्रमे से मैंने खुद ही बनाया है, ये मेरा खुद का आइडिया है। तो जैसे कि आप रेंटल अपार्टमेंट में ही रहते हैं या तो आपकी पोस्टिंग्स आती रहती हैं, तो इसलिए हम मतलब इस तरह का सामान ज़्यादा रखते हैं। तो ये देखिए भी मैंने बनाया था, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी फंगस लग जाती है, इसलिए यहाँ पे जल्दी फंगस लग गई है इसमें। बाकी इसमें एक कंघी रखी है और टूथपेस्ट मतलब अच्छे से आ जाते हैं। इसमें एक छोटा सा, ये देखिए छोटे से टूथपेस्ट वाला बॉक्स जैसे रखा है, तो ईजिली ये फिट आ जाता है इसमें। इसको वॉश कर सकते हैं आराम से, ईजी वॉश है ये। और तो यही सब कुछ आ जाता है। बाकी ये देखिए हैंग करने के लिए मतलब टॉवल हैंग करने के लिए मैंने इसमें हैंग करने के लिए भी बनाया है, क्योंकि जैसे कि हम यूज़ करते हैं वॉश बेसिन, तो हैंड वॉश करते हैं तो उसके लिए टॉवल की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे हैंग कर दिया है। बाकी यहाँ पे देखिए एक मिरर है, और मिरर है। बाकी ये छोटा सा सामान मतलब थोड़ा बहुत सामान रखा है यहाँ पे, जैसे कि हैंड वॉश रखा है। हैंड वॉश मतलब यूज़ होता ही है बाथरूम में। एंड यहाँ पे रखा है एक फेस वॉश रखा है, ये है हिमालया का, काफ़ी अच्छा है ये। इससे पहले मैं यूज़ करती थी क्लीन एंड क्लियर का यूज़ करती थी, बट अगर आपकी मतलब नॉर्मल स्किन है तो आप ये ज़्यादा आपके लिए बेटर है, उससे काफ़ी ड्राई हो जाती है स्किन। तो मैंने उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया था। इसका प्राइस है 120। और बाकी मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ देखिए वी वॉश, तो क्योंकि यूज़ करती हूँ इसलिए बाथरूम में ही रखा रहता है। इसका प्राइस है 180, आई थिंक 180 इसका प्राइस है फ्रेंड। और आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, पीरियड्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रेगनेंसी में ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस वन। और बाकी यहाँ पे रखा है देखिए कोलगेट का ये माउथ फ्लैक्स रखा है, तो इससे कुल्ला मतलब कर सकते हैं आप, अगर जैसे मुंह से अगर काफ़ी स्मेल आती है तो ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे रखा है बॉडी वॉश रखा है लक्स का, 99 का है ये, तो ये भी काफ़ी ईजी होता है मतलब बाथ के लिए। तो इस तरह का है देखिए, पर्पल कलर का है ये। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या है कि आप इस तरह के, ये जो भी है इसका नाम मुझे पता नहीं अच्छे से, बॉडी मतलब बाथ लेने के लिए, तो इसमें लगा करके इजीली इसको यूज़ किया किया जा सकता है। और बाकी यहाँ पे रखा है ये देखिए फॉम है, शेविंग फॉम, जो कि मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। और बाकी इसमें रखा है, इसमें रखा है बेसन, तो इजीली इससे निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें रखा है। अगर जो लोग बेसन यूज़ करते हैं, मैं काफ़ी मतलब कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। बाकी यहाँ पर देखिए कि ये स्टील का लगाया है, और ये छोटा सा बास्केट है प्लास्टिक का, तो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब इससे गिरता नहीं है सामान जो भी यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर जैसे सामान यहाँ पे रखते हैं तो वो गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, अटकते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे छोटी सी बास्केट रख के ये एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर, तो इस तरह की छोटी बास्केट्स काफ़ी काम आती हैं। तो इस तरह की वैसे इसको उठा के भी मतलब कहीं ले जा भी सकते हैं। और ये मैंने ऐसी लोकल मार्केट से परचेस की थी। और बाकी मैं इस साइड थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको सामान, मेरा जो टॉयलेटरी आइटम्स हैं, ये देखिए ये ऐसे छोटा सा है हैंग करने वाला, मतलब इसमें एक्स्ट्रा जो भी ब्रशेस हैं हम काफ़ी जल्दी चेंज कर देते हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसमें रख देती हूँ। इसमें देखिए सीज़र रखी है, जिससे कि मैं हेयर कट करती हूँ, तो मैं अपने हेयर कट खुद ही करती हूँ, इसलिए मैं इस तरह की सीज़र लाई हूँ। इससे आप अपने बाल काफ़ी आराम से काट सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है मतलब ब्यूटी पार्लर का, अगर आपने कुछ किया है तो इस तरह से देखिए। और इसकी जो ग्रिपिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, इस तरह से ग्रिप कर सकते हैं आप इसको, ये तो इससे काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग बन जाती है और इससे बाल काफ़ी अच्छे कट जाते हैं। बाकी ये पैर साफ करने वाला है। और यहाँ पे रखा देखिए शैम्पू रखा है, ये है ट्रेसमे का, और काफ़ी अच्छा है ये, तो मैं बहुत टाइम से ट्रेसमे यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं डव यूज़ करती थी, बीच में मैंने पतंजलि भी यूज़ किया था, बट काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था, तो उसके बाद मैंने ये ट्राई किया। इसका प्राइस है 410। तो मतलब काफ़ी टाइम तक मैंने ट्राई किया तो मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, उसके बाद ट्रेसमे ट्राई किया तो उससे मेरे काफ़ी बाल मतलब झड़ना कम हो गए। बाकी ये साफ़ करने के लिए रखा है यहाँ पे, और बाकी ये दो सोप रखे हैं अलग अलग। तो
तो बाकी हम यूज़ करते हैं फ्रेंड सैंडल सोप यूज़ करती हूँ मैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं काफ़ी टाइम से इसी को यूज़ कर रही हूँ, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये जॉनसन बेबी का सोप रखा है मेरे लड़के के लिए, तो हम दो अलग अलग सोप यूज़ करते हैं और बच्चों को थोड़ा अलग ही मतलब देते हैं। और बाकी देखिए सारे आइटम्स रखे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वन बाई वन क्या क्या यूज़ होते हैं और मतलब क्या क्या यूज़ करते हैं हम इन चीज़ों का। तो ये देखिए कंफर्टर रखा है, ये फैब्रिक कंडीशनर होता है और 99% एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, एंटी मतलब बैक्टीरिया को मारता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप सर्फ यूज़ करते हैं तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लिखा है इसमें आफ्टर वॉश एंटी बैक्टीरियल एक्शन। इससे ना काफ़ी एक स्मेल सी आती है, माइल्ड स्मेल सी आती है आपके कपड़ों पर जब आप इसको यूज़ करते हैं, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसमें लिखा भी है देखिए इसको कैसे यूज़ करना है, आफ्टर डिटर्जेंट वॉश, जब भी डिटर्जेंट आपको वॉश हो जाए तो इसको बाद में इसको थोड़ा सा डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बैक्टीरिया मरते हैं मतलब, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि स्मेल की वजह से मुझे काफ़ी पसंद है। इसका प्राइस है 210 और ये आई थिंक दो तीन वराइटीज़ में मिलता है, मतलब फ्लेवर फ्रेगनेंसेस आते हैं इसके, तो पियर्स का है ये विथ लिखा है इसमें और अच्छा होता है काफ़ी। और इसके बाद यहाँ पे रखा है ये हार्पिक बाथरूम क्लीनर, तो फ्रेंड इससे काफ़ी ना बहुत अच्छा शाइन आ जाती है, बहुत अच्छे से साफ़ करता है ये बाथरूम क्लीनर 3 in 1। इससे कुछ भी मतलब सिंक भी साफ़ करते हैं, वॉश बेसन और कुछ भी आप साफ़ करें तो बहुत अच्छे से साफ़ होता है, फर्श वगैरह इससे काफ़ी अच्छे से साफ़ होता है। उसमें लिखा है वैसे कैसे यूज़ करना है और कैसे यूज़ नहीं करना है, देखिए टॉयलेट में यूज़ नहीं होता, फर्श के लिए यूज़ होता है। उसका प्राइस है 91, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं लाइजॉल, यहाँ पे रखा है लाइजॉल, तो पोछा लगाने के लिए यूज़ होता है, इसकी भी काफ़ी अच्छी स्मेल है वैसे, मतलब बहुत अच्छी माइल्ड सी स्मेल आती है इसकी। और तो देखिए इसका प्राइस है 93 और मैं लाइजॉल ही यूज़ करती हूँ अधिकतर, तो ये रख देते हैं। बाकी ये रख देते हैं, यहाँ पे रखा है डिटॉल, तो मैं डिटॉल का बड़ा यूज़ करती हूँ, तो अभी ये ख़त्म हो गया है और अभी लगा हुआ है लॉकडाउन, तो इस वजह से सामान ज़्यादा आ नहीं पा रहा है। तो जैसे आप कपड़े वॉश करते हैं उसके बाद आप डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कपड़े वॉश कर लिए और लास्ट में आप थोड़ा सा डिटॉल डाल के डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बाकी यहाँ फिर रखा है उजाला, उजाला तो सभी लोग रखते ही होंगे अपने घर में, नील सभी लोग करते हैं तो सभी लोग रखते हैं। बाकी ये है ईजी, तो इजी काफ़ी मतलब यहाँ पे जैसे ठंड का ही एरिया होता है तो इजी हमेशा रखना ही पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि स्वेटर मतलब अधिकतर हम लोग पहनते ही हैं। और इसका प्राइस है 90 रुपीज़ का है ये इजी, तो ये रखना ही पड़ता है। बाकी यहाँ पे रखा है जॉनसन बेबी का शैम्पू जो कि मेरे बच्चे के काम आता है, तो इसलिए बड़ा ही मैं लेके आ जाती हूँ एक ही बार में, जो कि काम आ जाए और इस तरह का ठीक रहता है क्योंकि बच्चे खुद से भी यूज़ कर लेते हैं इस तरीके का और गिरने के कम चांसेस रहते हैं। बाकी यहाँ पे रखा है देखिए उजाला का शाइन है ये, जैसे कि आपके कॉटन के कपड़े या साड़ियाँ होती हैं तो उनको कड़क बनाने के लिए जो कि आप चावल के पानी का यूज़ करते हैं तो उसके लिए होता है, और अगर इस तरह का तो ये भी काफ़ी काम आता है, कभी कभी काम आता है वैसे ये, तो फिर भी मैंने इसको लाके रख दिया है और इससे भी काफ़ी अच्छी सी स्मेल आती है। और बाकी यहाँ पे रखा है वैनिश, तो ये वैनिश यहाँ पे मैंने एक्चुअली पाउडर फॉर्म में रखा है, इसके अंदर पाउडर वाला पैकेट लाई थी, बट इसके अंदर जो आया था वो आया था लिक्विड लिक्विड वाला, आप इसको अपने डिटर्जेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी दाग होते हैं बहुत इजीली निकल जाते हैं रियली, और ये बहुत इफेक्टिव है, ये ज़रूर काम करता है, आप ट्राई करें। अगर जैसे कोई दाग लगा आपके कपड़ों में और आप डिटर्जेंट के साथ इसके साथ भी वॉश करें तो काफ़ी अच्छे से वॉश होते हैं कपड़े, कोई भी दाग हो ज़रूर निकल ही जाता है। तो बाकी ये ख़त्म देखिए हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ओडोनिल रखा है ताकि थोड़ा सा खुशबू आए। तो तो बाकी बाथरूम के बाहर मैं ऐसे रखती हूँ, तो सोप रखें यहाँ पे और ये डिटर्जेंट रखें क्योंकि आजकल मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटे पाउचेस लाके रखे हैं और सोप रखे हैं। इसमें वैसे गंदे कपड़े भी जैसे बाहर से है तो इसमें ही डाल देती हूँ, अब बास्केट में छोटी सी आई थिंक विशाल से लेके आए थे हम, लेकिन काफ़ी मजबूत है ये, आई थिंक 350 समथिंग कुछ की थी ये, तो ये बाहर से ऐसे रख देते हैं यहाँ पे। और सो फ्रेंड बाकी और भी आइटम्स है जो कि मैं यूज़ करती हूँ बट बाथरूम में नहीं रखती हूँ, तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बार ज़रूर बनाऊंगी, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।